हुए हैं मलबे को हटाने में। इस बीच अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेजे हॉस्पिटल से, जहां पर घायलों को भर्ती करवाया गया है। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास सबसे पहले? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर अपडेट दे दूं, चार लोगों की मौत हो चुकी है और आठ लोग घायल हैं जिन्हें जेजे अस्पताल में एडमिट किया गया है। सबसे देखिए बड़ी अलग घटना जो मुंबई में सुबह सुबह देखने को मिली, 11:30 बजे बिल्डिंग गिरती है और उसपे जो अब तक जानकारी लगातार मिल रही है, करीबन 35 लोग के आसपास अभी फंसे हुए हैं। हालांकि इस पर कोई अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन चार लोगों के मरने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। और हमारे साथ इस वक्त जो जिन लोगों की मौत हुई है, चार लोगों उसमें से एक हमारे साथ मौजूद, उनके भाई मौजूद है, जो उस वक्त आंखों देखी जो इनके सामने क्या क्या हुआ, सीधे इनसे जानते हैं। साहब क्या क्या, आपका नाम क्या, आपके भाई जो जिनकी मौत हुई है क्या बताएंगे, थोड़ा सा बताएं कैसे दर्दनाक हादसा हुआ? मेरा नाम पीर मोहम्मद है, मेरा भाई का नाम अब्दुल सत्तार है। तो जब ये हादसा जब हुआ, जब मैं बाजू की बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं ऊपर कलर का काम चालू था मेरे यहाँ पर, 10:30-11 का वाकया ये, 10:30-11 का वाकया ये, जब मेरा अचानक धनाम छनी का आवाज आया, तो जो मैं बाजू की बिल्डिंग है तो वो भी थोड़ी सी हिल गई वहां पे। मतलब ये क्या हो गया, मैं लुंगी में था, शर्ट में था, वैसा ही फट से भागा नीचे, अपना सब सामान छोड़ के वैसा ही नीचे भागा, तो रास्ता ब्लॉक हो गया, जाने का रास्ता नहीं था। एक गली छोड़ के गया, बाजू की बिल्डिंग में चढ़ा, वहां खिड़की थी लकड़ी की, वो दरवाजा तोड़ा मैंने और अंदर घुसा। उधर जब घुसा तो एक लड़का खाली ऐसा हाथ दिखा रहा था, पंजा अंदर से, मैं जितनी मेरे ताकत थी मैंने उतना पत्थर हटाया वहां से। सत्तार भाई वो लास्ट कोने में थे, तो हमारी एक बहुत ही सत्तार भाई की औरत सलमा, तो उनको निकाला मैंने अंदर से। एक छोकरा था 5 साल का अब्दुल रहमान, वो उसको निकाला मैंने, तो जो आधा हिस्सा गिरा, एक हिस्सा इधर कोने का था, तो उधर मेरा भतीजा उधर था बाजू के रूम में, तो उनकी वाइफ जो थी वो बच्चे के लिए दूध लेने गई, सिर्फ जिसका हादसा हो गया वो दूध लेने गई, और वैसी वो भी बेचारी चले गए। आपके घर के लोगों की कितने लोग इसमें दबे और कौन कौन जिंदा? दो जन जिंदा है, दो जन गुजर गए। कैसे, उसके कितने देर पहले आपके उनसे भाई से बातचीत हुई होगी, कितने देर आप लोग बातचीत तो रोज होती थी? जो अब ये घटना हुई उसके कितने देर पहले आप मिले थे, क्या क्योंकि जाहिर सी बात है एक कुछ सेकंड पहले आप अपने भाई के साथ रहे होंगे, भाई और बहू जो और नहीं बाजू के, रात को तो मुलाकात हुई, सुबह का वाकया ये, सब घर में सो रहे थे समझे। जब भाई अंदर था तो भाई ने अपने दोस्त को रिजवान को फोन भी किया अंदर से कि मैं अंदर फंस चुका हूँ, मेरे को निकालो, उसने बोला। एक मेरा भतीजा अनवर करके, हम लोग वो भी आ गया वहाँ पर उस टाइम में, तो उसको भी आवाज दिया अंदर से, मगर लोखंड का इतना बड़ा किस्सा गिरा गया, उसकी टांग अंदर फंस गई और पूरा पैर उसका मुड़ गया। मतलब वो बिल्डिंग गिरने के बाद भी लोगों को फोन करते रहे, बचाने का डिमांड करते रहिए, हाँ इतना कोशिश करते रहिए, मगर इतना सामान ऊपर गिरा हुआ है वजनदार, तो मेरे से आदमी के आप भी चार आदमी तो उठा नहीं सकोगे, आप लोखंड भी इतने बड़े 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 पत्थर है कि आप कैसा उठाओगे। लेकिन क्या एक सवाल ये उठता है कि वहाँ पे माड़ा की तरफ से पहले नोटिस दी गई थी बिल्डिंग खाली करने के लिए, क्यों नहीं खाली करते थे, क्या वजह थी खाली नहीं करने की? माड़ा की नोटिस आए बराबर है, मगर माड़ा की तरफ से रूम भी तो मिलना चाहिए था, घर तो होना चाहिए, सुविधा तो होना चाहिए, सुविधा तो थी नहीं हमारे को वहाँ पे, मगर मीटिंग हो रही थी। सफदरबाई किरमाली है जो डोंगरी। चलिए अभिषेक, अभिषेक हम आपके पास लौट कर आते हैं। अभिषेक, जेजे हॉस्पिटल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके बाद हम डोंगरी का भी रुख करेंगे जहां से श्वेता हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट दिखाते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, क्या कुछ उन्होंने ट्विटर पर लिखा वो भी आप देखिए। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सरकार, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं, जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट। डोंगरी में इमारत हादसा पीड़ादायक है, हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार जनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और जो जख्मी हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और लगातार वहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट। और श्वेता हमारे साथ डोंगरी से जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। श्वेता, सबसे पहले तो आप बताइए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास, और साथ ही कितने लोग वहां पर अंदर फंसे हो सकते हैं, मलबे को हटाने में कितना वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो जब से ये दुर्घटना हुई है तब से जारी है। यहाँ पे हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार ये अपने कार्य में व्यस्त नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो एक सुबह से, जब से ये दुर्घटना हुई है तब से कार्य में लगी पड़ी है, बचाव और राहत कार्य में इनकी पूरी टीम है। चाहे वो एनडीआरएफ टीम की बात की जाए या अगर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जितनी भी टीमें हैं, जितनी भी दलें हैं, वो यहाँ पर
मौजूद है और यहाँ पर राहत और बचाव का काम जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार दल से ये जो रेस्क्यू टीम है वो उस स्थान पर जारी है। और अभी अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए, औपचारिक तौर पर जो रिपोर्ट्स मिले हैं उसके हिसाब से अंक बढ़ चुके हैं, 4 मरने वालों की संख्या हो चुकी है और जो इंजर्ड है 9 से ज्यादा लोग इंजर्ड है। और दुर्घटना वर्ष जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं और हम सभी को इस बात का डर है कि क्या पता अंक और ना बढ़ जाएं, क्योंकि अगर श्वेता अगर कोई पुख्ता जानकारी आपके पास हो, चूंकि जहां पर आप हैं, जहां पर ये इमारत है केसरबाई नाम की इमारत, वो इलाका काफी सकरा है, पीछे की गलियां काफी सकरी हैं, तो जाहिर सी बात है मलबे को हटाने और मलबे को वहां से बाहर निकालने में काफी वक्त लगेगा। तो क्या कुछ कहा यह जा रहा है एनडीआरएफ की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से कि कितना वक्त लग सकता है मलबे को हटाने में? बिल्डिंग इलीगल है तो इलीगल वाले जो बिल्डिंग वाले बनाते नहीं है, सिर्फ बोल रहे आज बनेगी कल बनेगी। अगर जो मरने वाले मर जाते मगर उसके पीछे दुआ करने वाले कोई नहीं रहता। मैं चाहती हूँ कि ये सब देखे, हेल्प मांगती हूँ मैं, जो मर गए उसके लिए कुछ करे और हम लोग की भी मतलब हेल्प है। हम लोग का तो कोई नहीं है इलीगल बिल्डिंग में, हम लोग का कल कुछ हो जाएगा तो हम लोग को कौन देखने वाला है। यहाँ पे काफी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, एरिया में है बिल्डिंग, बिल्डर बिल्डिंग बना के पैसे ले लेता है, गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है, गवर्नमेंट कैसी। चलिए श्वेता मैं आपके पास लौट कर आता हूँ, जो आसपास के लोग हैं उनकी जुबानी श्वेता ये बता रही थी कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय उन लोगों ने क्या कुछ देखा और क्या कुछ उन लोगों की प्रतिक्रिया है। श्वेता हमारे साथ और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन मुंबई में हादसे की आपको अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोग वहां पर लगातार आक्रोशित हैं जिस तरीके से हादसा हुआ, क्योंकि पहले नोटिस आया था, बीएमसी ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की। 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुंबई में इमारत गिनी है, डोंगरी के एमएस सारंग रोड पर यह केसरबाई नाम की इमारत है, 4 मंजिला इमारत, इसमें कई परिवार रहते थे, 100 साल पुरानी यह इमारत है, 100 साल से ज्यादा पुरानी यह इमारत है और इस इमारत को लेकर बीएमसी ने पहले नोटिस जारी किया था लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं, बावजूद इसके लोग इस इमारत में रह रहे थे। मलबे के नीचे जिंदगियां दबी हुई हैं, संख्या जो बताई जा रही है कि 30 से 40 के आसपास हो सकता है कि लोग अभी भी मलबे में दबे हो, कुछ परिवारों के इसमें दबे होने की आशंका है। अब से थोड़ी देर पहले एक छोटे बच्चे को वहां से रेस्क्यू किया गया है। तीसरी तस्वीर है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन आप तस्वीर को देखकर समझिए कि कितने मुश्किलात आ रहे होंगे। जो एनडीआरएफ के जवान वहां पर जुटे हुए हैं, जो राहत बचाव के काम में लोग लगे हुए हैं, जो जिला प्रशासन के लोग बचे हुए हैं। और तीसरी तस्वीर में देखिए, अब से थोड़ी देर पहले एक छोटे बच्चे को इस मलबे के अंदर से निकाला गया है, लेकिन चूंकि ये पूरा इलाका सकरा है, ये पूरी गली काफी सकरी है, लिहाजा यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे को हटाने में काफी दिक्कत पेश आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज के फंसे होने की संभावना वहां पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहां के बिल्डिंग के रहवासियों ने वाड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहां पर एक विकासक को डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसका उसके लिए उसको उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया ये सारी चीजें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहां पर अभी मलबे के नीचे है उनको कैसे बाहर निकाला जाए इसके ऊपर सारा फोकस वहां पर रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीजें सामने आ जाए तो उसके बाद इसकी इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पहले फिलहाल जो टारगेट है वहां से मलबे को हटाने, लोगों तक राहत पहुंचाने, जो नीचे लोग दबे हैं उनको निकालने पर है, उसके बाद इसकी पुख्ता जांच होगी और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक जेजे हॉस्पिटल से जहां पर घायलों को भर्ती करवाया गया है और साथ ही श्वेता हमारे साथ डोंगरी इलाके से मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ है। श्वेता सबसे पहले आपके पास, अगर कोई आसपास आपके लोग मौजूद है क्या कुछ उन्होंने देखा, चूंकि ये इमारत 100 साल पुरानी थी, पहले नोटिस भी जारी हुआ था, बीएमसी को लेकर लोगों में आक्रोश है, उनसे बातचीत करिए और साथ ही कितने लोग अभी मलबे में दबे हो सकते हैं, अगर आपके पास इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी हो तो वो भी बताएं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हम यहीं पर इसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घर
घटना घटी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रेस्क्यू टीम है, एम्बुलेंस की टीम है, फायर ब्रिगेड टीम है, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो हमसे रूबरू होंगे और हमें बताएंगे कि यहाँ पर इस प्रकार की चीज इनके लिए मैं कह सकती हूँ नई नहीं थी लेकिन दिल दहला देने वाली थी। चूंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पे जितने भी आप बिल्डिंग्स देख सकती हैं एक दूसरे से सटी हुई ये बिल्डिंग्स हैं और इसी प्रकार जर्जर हालात में ये बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पर अभी मैं कुछ स्थानीय लोगों से बात करूंगी और इनसे जानूंगी कि क्या कुछ हुआ और किस प्रकार का भय इनके मन में रहता है जब खासकर इस प्रकार की जब घटना देख लेते हैं ये। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप स्थानीय हैं यहाँ के, लोकलाइट हैं, ये एक सुबह से काम जारी है, किस प्रकार का डर मन में बना हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एक बिल्डिंग की बात नहीं है, यहाँ पे लगातार सटे हुए 8-10 बिल्डिंग ऐसे ही है। जी जी, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे है जो गिरे इससे पहले भी और ये करीबन 11:30 बजे गिरे, अभी तक काम चालू है और काम चालू है। जी, और यहाँ पर क्या रवैया रहा है, यहाँ पे लगातार सटे हुए 8-10 बिल्डिंग ऐसे ही है। जी जी, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे है जो गिरे इससे पहले भी और ये करीबन 11:30 बजे गिरे, अभी तक काम चालू है और काम चालू है। जी, और यहाँ पर क्या रवैया रहा है, बीएमसी और माडा की अगर बात की जाए तो क्या रवैया रहा है उन लोगों का? वो लोग सब लोग वक्त पे पहुँचे हैं, सबका काम कर रहे हैं, बीएमसी वाले भी है। लेकिन सर जब नोटिस दे दिया गया था कि आप वो जगह खाली करा दीजिए तब भी चूक कहाँ हुई, आप स्थानीय लोग हैं आप बेहतर बता पाएंगे। नोटिस दिया था लेकिन बीएमसी वाले ने नोटिस दिया था लेकिन पब्लिक उसमें थे, खाली नहीं किए थे। और अभी भी हम काफी बिल्डिंग्स देख सकते हैं जहाँ पे नोटिस उनके पास भी है लेकिन वहाँ पे फिर भी देखा जाए तो लोग रह रहे हैं, उनके पास क्या कोई विकल्प नहीं है जगह खाली करके जाने का? क्या कुछ मुद्दा है जो आप सामने लाना चाहते हैं क्योंकि नोटिस देने के बावजूद भी अगर बिल्डिंग में निवासी रह रहे हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है? श्वेता मैं आपके पास आता हूँ। अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, हर साल बरसात आती है मुंबई में आफत लेकर आती है, इस बार आफत आई, लोग पानी से परेशान थे, इमारत गिरी, लोगों की जान गई है, इसके आसपास कई सारी इमारतें ऐसी हैं जो जर्जर स्थिति में कभी गिर सकती हैं, शायद एक आध इमारतों को खाली भी करवाया गया है, लेकिन बीएमसी क्या सिर्फ नोटिस जारी कर उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? इसके बावजूद जानकारी यह भी आ रही है कि उसकी जर्जर इमारतों की लिस्ट में ये इमारत शामिल नहीं थी। बिल्कुल राकेश, सही कहा आपने। देखिए, हर साल ऐसी बिल्डिंगें मुंबई में हर साल इसकी रेकी की जाती है, हर साल इसकी लिस्ट निकाली जाती है कि एक दो नहीं करीबन सैकड़ों बिल्डिंगें मुंबई में हैं जो कि जर्जर हालत में हैं। और बिल्कुल सही कहा कि देखिए आरटीआई की तरफ जो हमारे पास जानकारी आई कि जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जानकारी जरा सा भी आरटीआई यानी इसमें जर्जर इमारतों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। और मुंबई में एक दो ऐसी इमारतें नहीं है, करीबन हजारों इमारतें हैं। लेकिन अभिषेक, ये अपने आप में विरोधाभास है। एक तरफ बीएमसी नोटिस जारी करती है, जो जानकारी आपने भी आपसे थोड़ी देर पहले थी जो जानकारी आई भी है, आप नोटिस जारी कर देते हैं बीएमसी के अधिकारी और उसके बावजूद जर्जर इमारतों की लिस्ट में शामिल भी नहीं करते हैं, ये अपने आप में विरोधाभास है और कितनी बड़ी लापरवाही है या फिर वो कितने लाइटली इस पूरे मैटर को लेते हैं ये दिखाता है इस बात को। बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ी लापरवाही बिल्कुल बरती गई, इसमें कोई दो मत नहीं है राखे। देखिए 2017 में यानी आज से 2 साल पहले इस बिल्डिंग को ही बीएमसी ने, जो बीएमसी का जो बी वार्ड आता है उस बी वार्ड की तरफ से माडा को पत्र लिखा गया था कि हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन आ रही है इस बिल्डिंग को लेकर, शिकायतें आ रही है, इसलिए इस पर पूरी कार्रवाई की जाए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाए, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद देखिए जो है दो चीजें समझनी होगी, इस पर समझाना चाहूंगा आपको दर्शकों के लिए कि यहाँ पे जो दो एजेंसियां काम करती है, एक है बीएमसी एक है माडा, और वो दो एजेंसियां आपस में कहीं कहीं मतभेद होने की वजह से ये बड़ा लापरवाही देखने को मिलता है कि बीएमसी कहती है कि यह बिल्डिंग हमारे अंडर में नहीं है इसलिए हम काम नहीं करेंगे, माडा कहती है कि हमारे अंडर में नहीं है। लेकिन मुंबई के तमाम ऐसी जो शेष प्रॉपर्टी यानी जो 100 साल के आसपास जो पुरानी बिल्डिंग है सबके सब माडा के अंतर्गत आती है और शेष प्रॉपर्टी कही जाती है उसे, इसलिए पूरा का पूरा दायित्व माडा का होता है और माडा जरूर इस बिल्डिंगों को खाली कराना चाहिए। पूरी तरीके से उनके पास पूरे हथियार है, ताकत है और कह सकते हैं कानून है, लेकिन कहीं भी ऐसी कार्रवाई होती भी दिखाई नहीं देती है। और सबसे बड़ा वजह इसके पीछे ये भी जानना होगा, देखिए कि जो उसमें रहते हैं, जो टेनेंट रहते हैं, जो लोग रहा करते हैं, उनको सरकार पर विश्वास नहीं है, उनको विश्वास इस बात को लेकर नहीं कि जिस जगह वो रहते हैं अगर उन्हें पर्याय जगह कोई दिया जाता है तो वो उस बात की गारंटी नहीं होती है कि फिर से उसी जगह पर आकर वह रहेंगे। और इसीलिए तमाम जो टेनेंट जो बिल्डिंग है जो जर्जर हालत में है, आज मौत के मुंह में लोग रहने को तैयार है,
हैं या आप कह सकते हैं मजबूर हैं, उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बिल्डर्स पर, सरकार पर या महाडा पर उनके पूरा विश्वास नहीं है कि अगर वह जाते हैं फिर से तो वह बिल्डिंग फिर से उन्हें मिल पाएगी, यानी कह सकते हैं जो आसियाना उन्होंने बचपन से या कई पुश्तों से उस जगह पर बसाया है तो फिर से शायद वह मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि हर साल ऐसी बिल्डिंगें गिरती हैं और तमाम जो लोगों की जाने जाती हैं और तमाम लोग इससे मरा मौत हो जाती है। यह बड़ी वजह है और यही वजह है कि सरकार को कहीं कहीं इसे डेवलप करना पड़ेगा, इसको समझना होगा। आखिरकार जो जर्जर इमारतों में रहते हैं, मौत कुएं में रहने को मजबूर होते हैं, आखिरकार वह क्यों जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं? इसके लिए कानून है लेकिन कानून का पालन नहीं होता। अगर चाहते हो तो बिल्कुल अच्छी जगह पर उन्हें पर्याय जगह दिया करते और जगह दे दिए होते तो शायद वह आराम से रहते और ऐसी बिल्डिंग गिरती भी तो कम से कम कोई उसमें मरता नहीं या कोई उसमें इंजर्ड नहीं होता। लेकिन सच्चाई यही है कि बड़ी लापरवाही होती है और यही वजह है कि हर साल हमने देखा है कि बिल्डिंग गिरने की वजह से तमाम लोगों की जाने जाती है। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास आता हूँ, श्वेता भी हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, आपने अब से थोड़ी देर पहले बताया कि जो आसपास की इमारतें हैं वो भी काफी जर्जर स्थिति में है, काफी पुरानी इमारतें हैं। जानकारी ये है कि कुछ इमारतों को खाली भी करवाया गया है, क्या जानकारी आपके पास इस बाबत? जी बिल्कुल, अगर जर्जर इमारतों की बात की जाए तो डोंगरी का ये जो इलाका है वो आपको पूरा सबूत दे देगा कि किस प्रकार ये जो जर्जर इमारतें हैं ना केवल एक दो की संख्या में हैं, तमाम इमारतें जो आप देख सकते हैं उन सब के हालात यही बयां कर रहे हैं कि आज एक बिल्डिंग के ये हालात है और नेक्स्ट टाइम क्या पता हमें दूसरी बिल्डिंग के यही कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, इतने लंबे लंबे स्लैब्स लगे हैं इन बिल्डिंग पे, वो आपको सच्चाई बता रहे होंगे कि किस प्रकार न जाने कितने वर्ष पहले इन सब बिल्डिंग्स की मरम्मत हुई होगी। अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो ये 100 वर्षीय पुराना बिल्डिंग है और आप समझ सकते हैं जब हर साल मॉनसून आता है, मॉनसून में न जाने कितनी जाने जाती है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी उठता है कि ऐसी जर्जर इमारतें ढह जाती है, चाहे आज वो डोंगरी की बात की जाए या जो पिछले महीने हादसा हुआ है मलाड की उसकी बात की जाए, 30 लोग जब वहां पे। चलिए श्वेता, श्वेता और अभिषेक आपके पास मैं लौट कर आता हूं। अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, क्या कुछ उन्होंने ट्विटर पर लिखा वो हम दिखाते हैं। प्रियंका गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, मुंबई में 4 मंजिला इमारत में फंसे लोगों की सकुशलता की प्रार्थना करती हूं, मेरी संवेदनाएं दुखी परिवारों के साथ है। ये अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट। राहत और बचाव कार्य में कांग्रेस के लोग भी यथासंभव सहयोग दें, हाल ही में घटी ये तीसरी घटना है, आखिर क्यों समय रहते इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता? ये सवाल प्रियंका गांधी का। दुख उन्होंने जताया, संवेदना जताई, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आसपास के इलाके में हैं उनसे ये अपील की कि वहां पर पहुंचकर लोग सहयोग दें, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिरकार हाल फिलहाल की ये तीसरी घटना है, इसके बावजूद समय रहते कोई कार्रवाई ठोस क्यों नहीं की जाती? अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक तो ये वाजिब सवाल है जो प्रियंका गांधी ने उठाया कि हाल फिलहाल की तीसरी घटना, समय रहते बीएमसी के अफसर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कोई घटना हो जाती है, कहीं पुल गिर जाता है, कहीं दूसरी घटना, कहीं इमारत गिरती है, कहीं आग लगती है, मुंबई में इस तरीके की घटनाएं आम है और हर बार बीएमसी की लापरवाही निकलकर सामने आती है, तो सवाल यह है कि समय रहते बीएमसी के अफसर क्यों नहीं जगते? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इमारत काफी पुरानी थी, ये भी जानकारी है कि रीडेवलपमेंट के लिए एक डेवलपर को शायद अपॉइंट वहां पर किया गया था, उसने अपना काम क्यों नहीं किया? इन दोनों सवालों के बाबत कोई जवाब ठोस तौर पर आपके पास, पुख्ता तौर पर जानकारी हो तो। देखिए, इस पूरे मामले पर राकेश, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि एक डेवलपर अपॉइंट किया गया था और डेवलपर आखिरकार जो विकासक था उसने अपना काम क्यों शुरू नहीं किया, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। देखिए, यह तो साफ है कि 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ साफ कह दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इसके लिए डेवलपर को कहीं कहीं इसको अपॉइंट कर दिया गया था, उसने विकास कार्य क्यों शुरू नहीं किया? इस बिल्डिंग का जो आगे का प्रोसीजर होता है कि बिल्डिंग गिराना चाहिए और जो लोग जो इसमें रह रहे हैं उनको पर्याय जगह देना चाहिए, उसकी पूरा प्रोसीजर होता है, वह फॉलो क्यों नहीं किया गया? इसको लेकर उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जरूर दे दिया है, लेकिन देखिए देर हो चुकी है राकेश, क्योंकि इसमें अब तक जो 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 से 9 लोग ज्यादा इसमें घायल है, जो अस्पताल में जो ठीक पीछे आप देख रहे हैं इसी जेजे अस्पताल में लगातार उनका इलाज चल रहा है और उनके परिजन लगातार रो रो कर बेहाल है, और उसके अलावा जो अभी भी तमाम लोग दबे हुए हैं, हालांकि जो आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन जो बताया जा रहा है करीबन 20 लोग के आसपास अभी भी उससे फंसे हो सकते हैं, जो उनको लगातार निकालने का काम LDRF की तरफ से और BMC के जो जवान हैं और
साथी फाटबीर की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन यह बिल्कुल सच्चाई है कि कहने के देखिए इस हिसाब से बता रहा हूँ कि इससे समझना होगा कि बीएमसी के एक अलग डिपार्टमेंट है और साथ ही महाडा एक अलग डिपार्टमेंट है। महाडा सीएसए महाराष्ट्र सरकार के अंदर में आती है और महाराष्ट्र सरकार की पूरी दायित्व बनता है, लायबिलिटी बनती है किसी भी सूरत में इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। पूरी तरह से कानून में प्रावधान दिया गया कि जो लोग भी अगर जर्जर इमारतें हैं अगर उससे नहीं हटते हैं तो उसको जबरदस्ती उनको हटाया जा सकता है, क्योंकि जान माल का नुकसान हो सकता है, उनकी जान जा सकती है, आप उनको फोर्सफुली हटा सकते हैं। बकायदा इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश भी है। लेकिन बावजूद इसके कि इसमें कहीं भी कोताही बरती जाती है, कहीं पर भी इसमें कड़ाई से पेश नहीं हो जाता है, अगर साथ हुआ होता तो बिल्कुल ये जो आज बिल्डिंग गिरी है इसमें जो लोग भी आज दबे हैं या जो चार लोगों की मौत हुई है शायद यह खबर हमको सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया होता पहले और ऐसा बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन आज भी आप बता दूं इस बिल्डिंग से गिरने के बाद कम से कम महाराष्ट्र सरकार को महाडा को बीएमसी को बड़ी सीख लेनी होगी, क्योंकि मुंबई में एक दो नहीं ऐसे करीबन हजारों इमारतें हैं जो कि आज धोखादायक है, कभी भी भरभरा कर ताशपत्र गिर सकती है और उन बिल्डिंगों का क्या जो बिल्डिंग में रह रहे हैं। और अभिषेक एक छोटा सा सवाल, चूंकि जो वो इलाका है काफी सकरा है, इमारतें आसपास सटी हुई थी, ये बिल्डिंग तो गिर गई, आसपास की जो बिल्डिंगें थी जो उनका सपोर्ट था वो भी हटेगा, नींव उनकी पहले से कमजोर हो रही थी, तो अब आगे उस इलाके में क्या कार्रवाई बीएमसी की ओर से? देखिए बीएमसी तरफ से महाडा तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो लोग भी आसपास के बिल्डिंग में जो खतरनाक बिल्डिंगें हैं उनको खाली करा दिया गया है लगभग, और आसपास का जो इमामबाड़ा है स्कूल है उन जगहों पर रखा जा रहा है ताकि कम से कम वो लोग भी सेफ रहें, और जो भी बिल्डिंगें कम से कम जो जर्जर बिल्डिंगें उनको बिल्कुल गिराया जाएगा। चलिए अभिषेक और श्वेता हमसे जुड़ने के लिए फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक और श्वेता लगातार जुड़े हुए थे इस पूरे हादसे पर अपडेट देने के लिए। फिलहाल वहां पर युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चल रहा है, कोशिश ये चल रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाकर लोगों को